everyone and welcome to your favorite channel Mentor Class 3. I hope you all are doing well. Aaj hum karenge textbook solutions for your NCERT Class 3 English Marigold unit number 5 ke lesson ka, that is the yellow butterfly ka. Is lesson ko maine bahut sare pictures ke saath Hindi and English word meaning ke saath samjhaya hai, jiska link aapko isi video ke niche description box mein mil jayega, ya fir aap Class 3 English ka playlist bhi dekh sakte hain Mentor Class 3 channel mein. But before we start today's class, here is a short introduction about me. To chaliye padhte hain hamara sabse pehla question from reading is fun se. Where did Sonu first see the yellow butterfly? Sonu ने सबसे पहले, first मतलब सबसे पहले होता है, कहाँ पे देखा था पीले रंग के उस तितली को? हमारा answer हम question से ही लिखते हैं. Sonu first see का past tense लिखेंगे saw. Sonu first saw the yellow butterfly in his garden. जो उड़ रही थी, flying in his garden. उसके बाद क्वेश्चन टू, नेम थ्री प्लेसेस, ऐसे तीन जगहों के नाम लिखिए वेयर, जहाँ पे द बटरफ्लाई रेस्टेड, जहाँ पे बटरफ्लाई जाके बैठ रही थी. आंसर इज द बटरफ्लाई रेस्टेड ऑन द रेड रोज, ऑन द लोटस लीफ एंड ऑन द पीच ट्री. ये तीन जगह पे बटरफ्लाई जाके बैठी थी. क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाई डिड सोनू चेज द बटरफ्लाई? सोनू उस बटरफ्लाई के पीछे क्यों पड़ा हुआ था, क्यों उसका पीछा कर रहा था? आंसर भी हम यहां से लिखेंगे, सोनू चेस्ड द बटरफ्लाई बिकॉज इट लुक्ड वेरी प्रिटी. और जो भी खूबसूरत चीज होती है, बच्चे हमेशा उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं. एंड देन क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाई डिड सोनू लेट द बटरफ्लाई गो? बटरफ्लाई को अगर वो पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तो सोनू ने बटरफ्लाई को जाने क्यों दिया? व्हाई? आंसर इज सोनू लेट द बटरफ्लाई गो. सोनू ने बटरफ्लाई को इसीलिए जाने दिया बिकॉज इट लुक्ड सैड इन हिज हैंड. सोनू के हाथ में बटरफ्लाई बहुत ही दुखी लग रही थी. सोनू वॉन्टेड टू सी इट हैप्पी. और सोनू बटरफ्लाई को हैप्पी देखना चाहता था. सो ही लेट इट फ्री. और इसीलिए सोनू ने बटरफ्लाई को फ्री यानी कि आजाद छोड़ दिया. अगले कुछ क्वेश्चन सिर्फ बातें करने के लिए. नंबर वन, इफ यू वर बटरफ्लाई, मान लीजिए आप भी एक तितली हो, हाउ वुड यू फील, आपको कैसा महसूस होता इफ यू वर कॉट, अगर आपको भी किसी ने पकड़ लिया होता. कॉट है कैच का पास्ट टेंस. तो मान लीजिए आप पहले एक बच्चे ही हो और आपको किसी ने एक घर के अंदर बंद करने दिया. एक जगह पे बंद होना बहुत बुरा लगता है. उसी तरीके से अगर आप एक बटरफ्लाई भी हो और अगर आपको किसी ने पकड़ लिया है जहाँ पे आप उड़ नहीं पाओगे, तो आपको भी बहुत बुरा लगेगा. और इसीलिए सोनू के गार्डन में जो बटरफ्लाई थी वो भी बहुत सैड फील कर रही थी. एंड देन सेकेंड वन इज, व्हाई डिड द बटरफ्लाई गो टू द फ्लावर्स इन द गार्डन? बटरफ्लाई उड़ उड़ के बगीचे के फूलों पे क्यों जा रही थी? क्योंकि बटरफ्लाई फूलों से उनका रस पीती है, जिसे हम नेक्टर बोलते हैं. NEC, NECTAR, नेक्टर. द बटरफ्लाई गो टू द फ्लावर्स इन द गार्डन टू टेक रेस्ट. एक तो वो वहाँ पे बैठने के लिए जाती है, एंड टू सक, और चूसने के लिए जाती है फूलों का रस फ्रॉम द फ्लावर्स. उसके बाद नंबर थ्री में, कौन कौन उड़ सकता है? से दीज सेंटेंसेस अलाउड. बटरफ्लाइज कैन फ्लाई. वन बटरफ्लाई, जिसके लास्ट में वाई होता है. अब जब हम मैनी लिख रहे हैं, बहुत सारे तितलियां, लास्ट के इस वाई को हटा के हम IES, eyes लिखते हैं, प्लूरल, बहुत सारी तितलियां. तो बहुत सारी तितलियां उड़ सकती हैं. चिड़िया भी उड़ सकती है क्योंकि उनके पास विंग्स होता है. बटरफ्लाई के पास भी विंग्स होता है, पंख होता है. काइट भी आसमान में उड़ते हैं, बलून्स भी आसमान में उड़ते हैं. कैसे? क्योंकि ये बहुत ही हल्के होते हैं, इसीलिए हवा के साथ साथ उड़ सकते हैं. एरोप्लेन्स भी आसमान में उड़ते हैं क्योंकि इनका डिज़ाइन ही ऐसा होता है कि जिसमें पंख लगे हुए हों. यहाँ पे कुछ इंजन होता है जिसके सहारे एरोप्लेन आसमान में उड़ सकता है. लेकिन हम ना तो बटरफ्लाई और काइट की तरह हल्के हैं और ना ही हमारे पास इस तरीके के पंख हैं, इसीलिए हम नहीं उड़ सकते हैं. वी कैन नॉट फ्लाई. कांट मतलब कैन नॉट. वी कैन फ्लाई इन द एरोप्लेन, लेकिन अगर हम एरोप्लेन के अंदर बैठ जाएंगे तो हम उड़ पाएंगे. नाउ नेक्स्ट इज, लेट्स राइट.
राइट द सेंटेंसेस इन प्रॉपर ऑर्डर. प्रॉपर ऑर्डर का मतलब जो सबसे पहला हुआ, सबसे पहले वो वाला हम सेंटेंस लिखेंगे, उसके बाद जो होगा उसके बाद हम सेकेंड नंबर पे वो सेंटेंस लिखेंगे, और फिर उसी तरीके से आगे हम सेंटेंस बढ़ाएंगे. तो नीचे हमारे पास कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं. क्लू ये है कि सबसे पहला जो होगा उसके तो सामने ही फर्स्ट लिखा है. FIRST, फर्स्ट मतलब सबसे पहले. ऑर्डिनल नंबर्स अपने क्लास 2 में पढ़ा है ना. उसके बाद मतलब देन. देन से जो सेंटेंस होगा वो नंबर 2, उसके बाद वाला. उसके बाद आफ्टर दिस, तीसरे नंबर का सेंटेंस. और जो लास्ट वाला होगा उसे हम फाइनल वाला या फिर फाइनली बोलते हैं. जैसे आपके फाइनल एग्जाम्स एकदम पढ़ाई के लास्ट में होता है, सो दैट इज आवर नंबर 4 सेंटेंस. तो अब हम सेंटेंस पढ़ते हैं. सबसे पहले ये फर्स्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आई गेट आउट ऑफ बेड, मैं अपने बिस्तर से उठता हूँ. देन उसके बाद आई ब्रश माई टीथ, मैं दांतों को ब्रश करता हूँ. एंड हैव अ बाथ, मैं नहाता हूँ. नंबर 2 सेंटेंस. तीसरे नंबर का आफ्टर दिस, उसके बाद आई ईट माई ब्रेकफास्ट, मैं अपने सुबह का नाश्ता करता हूँ. नंबर 3 सेंटेंस. एंड लास्ट फाइनली, सबसे आखिर में आई ड्रेस अप, मैं स्कूल का यूनिफॉर्म पहनता हूँ. एंड गो टू स्कूल, अपने स्कूल जाता हूँ. सबसे लास्ट सेंटेंस. इसके बाद हमारे पास एक एक्टिविटी है, हमें पेपर फोल्डिंग करके तितली बनाना है. तो हमें इस तरीके के 2 स्क्वायर पेपर्स लेने हैं और फिर उसे इस तरीके से लेफ्ट राइट फैन की तरह फोल्ड कर लेना है और बीच में से धागा बांधना है टाइट से, स्क्वीज करके. तो ये हमारे बटरफ्लाई के विंग्स के जैसा शेप बन जाएगा. और फिर हम बीच में यहाँ पे ड्राइंग कर लेंगे, कलर कर लेंगे. तो इस तरीके से हमारा टॉय बटरफ्लाई रेडी हो जाएगा. और उसके बाद लास्ट में हमारे टेक्स्ट बुक में है वर्ड बिल्डिंग, मतलब हम एक वर्ड से और कितने अलग अलग वर्ड्स बना सकते हैं. जैसे बटरफ्लाई में से हम बटर एक शब्द बना सकते हैं जो हम ब्रेड के ऊपर लगाते हैं. फ्लाई का मतलब उड़ना, एक अलग वर्ड हो गया. तो एक वर्ड से हमने 2-2 वर्ड बना लिया. उसी तरीके से एवरीवेयर, यहाँ से एक वर्ड बन सकता है. एवरी मतलब हर एक, वेयर दूसरा वाला वर्ड बन सकता है मतलब कहाँ. इन साइड से बनेगा इन, मतलब अंदर. SIDE साइड मतलब साइड में, लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड. आउटसाइड से भी 2 वर्ड्स बन सकते हैं, एक है आउट मतलब बाहर, और फिर से एक और साइड बन सकता है. लास्ट में सनलाइट से एक वर्ड बन सकता है सन, सूरज, और लाइट बन सकता है यानी कि रोशनी. And that was the last question of your chapter. इसी तरीके के प्रैक्टिस करने के लिए हम इस चैप्टर के वर्कबुक सॉल्यूशन को भी करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में. सो स्टे ट्यून्ड, विल मीट वेरी सून. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए. एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आप आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन को मिस ना करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल मिंट टॉक क्लास 3 फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़.